आज बाथरूम में शाम तक पानी नहीं आएगा, कृपया इस दूसरे ब्लॉक का बाथरूम इस्तेमाल करें। शिट। अच्छा, कितने दिन में नहाता है तू? मैं 2 दिन में 2 बार 2 दिन में 1 बार नहीं, हम अटेंड करते हैं, अच्छी चीज़ को कुछ बताएंगे वो। गाइस, तो सुबह हो चुकी है और अभी तो बहुत शांत है यहाँ पे सब, क्योंकि क्लासेस लोगों की कम है, बहुत कम ही लोगों की क्लासेस सुबह को है, सबकी दोपहर में, मेरी भी दोपहर में, सब दोपहर से क्लासेस चलेंगे। आर्यन नहा कर आ चुका है, सो अब हम ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। मैंने तो नहाया नहीं है, मैं अभी ब्रेकफास्ट करके आ जाता हूँ, फिर नहा लूँगा बाद में, तब चलते हैं अब। चलो गाइस, सो हमारे दोस्त वापस से ताला लगाते हुए, इतने दिनों बाद ताला लगाते हुए मैंने इसकी क्लिप ली है, तो कैसा लगा आर्यन ताला लगाते हुए? बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा। बालों में क्या लगा रहे हो? भाई, क्या कुछ भी जरा नहीं? चलो कुछ नहीं लगा रहा, बस पानी झाड़ रहा था। चलो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करके आते हैं दोनों, फिर पढ़ाई करेंगे। गाइस, सो ये रहा आज का ब्रेकफास्ट। ये देखो, आज वड़ा सांभर मिला है हमें, सो ये मुझे अच्छा लगता है, मैं खाया हूँ पहले भी, सोचे रहता है। वड़ा सांभर है, चटनी दी गई है, बाकी ब्रेड वगैरह है। आज तो चॉकलेट पीनट बटर मिला है, सो भाई चॉकलेट पीनट बटर मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। चॉकोस वगैरह है, दूध तो है, और ब्रेड पे मैंने बटर लगा के उसे टोस्ट कर लिया है। सो चलो ठीक है, इंजॉय करते हैं ब्रेकफास्ट को। तो ब्रेकफास्ट करके तो आ गए, तो अब सोचते हैं कि अब असाइनमेंट कर लेते हैं मैथ्स की, क्योंकि हमारे संडे को सबमिशन डेट है, तो मैथ्स के असाइनमेंट करनी है। तो मेरे क्वेश्चन अभी कॉपी में सोल्यूशंस लिखूंगा, संडे तक असाइनमेंट सबमिट कर देना। आर्यन तो लाइब्रेरी जा रहा है, सो वो तो चला जाएगा, और सुनील लाइब्रेरी में, सो मैं अकेले रहूंगा कमरे में, सो मैं अकेले कमरे में पढ़ाई करूंगा, बाकी सब मेरे दोस्त लाइब्रेरी जा रहे हैं। बाय आर्यन, मेरे सब्सक्राइबर्स को बाय कर दो, अच्छे से पढ़ाई करना लाइब्रेरी में, बाय बाय। गाइस, ये देखो ये क्या हो गया हमारे बाथरूम में, लिखा हुआ है आज बाथरूम में शाम तक पानी नहीं आएगा, कृपया इस दूसरे ब्लॉक का बाथरूम इस्तेमाल करें। शिट। एक्चुअली पानी की टंकी फट गई है हमारी, पाइप जो रहती है ब्लॉक की, सो देखो पानी तो आ रहा है, ये पानी तो आ रहा है, मैंने ऑन किया नल तो चेक करने के लिए, पानी तो आ रही है, लेकिन उन्होंने तो बोला था शाम तक पानी नहीं आएगी, थोड़ी बहुत बची होगी मेरे ख्याल से, इसलिए वो आ रही है, लेकिन उन्होंने लिख दिया है कि शाम तक पानी नहीं आएगी, तो शायद थोड़ा बहुत चल रहा है, टंकी पाइप फट गया है हमारा ब्लॉक का शायद, इसलिए कोई बात नहीं, चलो दूसरे ब्लॉक अब जाना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने नहाया भी नहीं था, और मुझे नहाना था, मैं बाथरूम में गया तो देखा कि पानी की टंकी पता चला कि फट चुकी है, और हमारे शाम तक पानी नहीं आएगा, तो अब दूसरे ब्लॉक में हमें जाकर नहाना पड़ेगा, सुबह को नहा लेना चाहिए था, अब जल्द दूसरे ब्लॉक में जाना पड़ेगा इसके वजह से। गाइस, तो चाबी ले लिया है, तो चलो अब रूम लॉक करके, और उसके बाद चलते हैं बी ब्लॉक नहाने के लिए। तो रूम लॉक कर दिया है, और मैंने अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें ले ली हैं इस बकेट में, अब चलते हैं बी ब्लॉक, जल्दी से नहा के आते हैं। गाइस, ये बी ब्लॉक की बाथरूम है, और फॉर्चुनेटली जैसे ही मैं आया वैसे ही एक लड़का निकल गया, सो ये बाथरूम खाली हो गए, सो मैं इसमें नहा लूंगा, शावर भी लगा हुआ है। बी ब्लॉक की बाथरूम ए ब्लॉक से तो काफी अच्छी, क्योंकि ये नई नई बनी है बाथरूम, तो चलो नई बाथरूम अच्छी बात है, तो चलना। दोस्तों, सो अब दोपहर हो चुकी है और क्लास का वक्त हो रहा है, सो उससे पहले हम लंच करने जा रहे हैं, सो जाते हैं लंच करने, देखते हैं लंच में आज क्या बना होगा। पानी अभी तक तो नहीं आया, पानी शाम तक आएगा ना मेरे ख्याल से, चल रही है थोड़ी बहुत नल, लेकिन वो शायद में जाना पड़ेगा क्या करने, अभी पाइप का पानी मेरे ख्याल से वो बचा हुआ है, वो नल से आ रहा है, लेकिन शाम तक लिखा हुआ है कि शाम तक ठीक होगा, सो देखते हैं क्या होता है। मैं तो नहा कर आ गया हूँ दोस्तों, नहा कर रेडी होके आ चुका हूँ, और जा रहे हैं बस। नया कहाँ पे तूने? मैं तो बी ब्लॉक में नहा कर आया, बी ब्लॉक में, ठीक है। बी ब्लॉक में वो नई बाथरूम जो बनी है ना, बढ़िया, उसमें वो अच्छी है। अच्छा, कितने दिन में नहाता है तू? मैं 2 दिन में 2 बार 2 दिन में 1 बार। गाइस, सो ये देखो आज का लंच, ये इन्होंने फ्रूट कस्टर्ड डाल दिया है, और ये पीली चावल भी मिली है साथ में, और रोटी है, और नॉर्मल सी सब्जी है आपके, सो ज़्यादा कुछ तो स्पेशल नहीं है लंच में, सो खाते हैं। चलो गाइस, लंच हो गया, अब साइकिल लेते हैं और अपनी क्लास जाते हैं। साइकिल पहले मिल तो जाए, साइकिल है कहाँ, इतनी साइकिल में हमेशा ढूंढनी पड़ती है कि साइकिल कहाँ है अपनी, मेरी साइकिल कहाँ है? ओह, मिल गई मिल गई, ये तो सामने ही पड़ी थी मेरी साइकिल। चलो लॉक ओपन करते हैं, चलते हैं। तो दोस्तों, शाम हो चुकी है और इसी के साथ हमारी छुट्टी भी हो गई है, काफ़ी थक भी गए हैं क्लास में बैठे बैठे, 4-5 घंटे बैठना पड़ता है, सो साइकिल लेते हैं
और अब चलते हैं अपने हॉस्टल रूम। चलो गाइस, सो शाम हो चुकी है एंड हम क्लास से आ गए। सो हमारा मन करने लगा कि कहीं चलो चाय पीने चलते हैं। एक्चुअली मैं तो उतना पीता नहीं, लेकिन आर्यन ने बोला कि चाय पीने का मन कर रहा है, तो हमने बोला कि चलो कंपनी देते हैं, हम भी चाय पी लेते हैं आज। और क्या, चलते हैं कौटले, चलते हैं कौटले में चाय अच्छी मिलती है, उम्मीद करते। मैंने पिया तो नहीं है कभी। आर्यन ने पिया? आर्यन, कौटले की चाय कैसी होती है? ठीक होती है। चलो ठीक ही होती है, मैंने पिया तो नहीं है कभी, देखते हैं आज पीकर। सो फाइनली हमारी चाय आ गई है और हम चाय के साथ पार्ले जी खा रहे हैं। पार्ले जी सुप्रीमेसी काफ़ी अच्छी लगती है चाय के साथ। सो चलो एंजॉय करते हैं, साथ में क्रिकेट मैच भी चल रहा है तो वो भी देखते हैं। दोस्तों हमें अभी पता चला कि हमारे कॉन्वोकेशन हॉल में गूगल का सेमिनार चल रहा है, तो हम अपनी साइकिल लेकर मैं और आर्यन हम दोनों जा रहे हैं कॉन्वोकेशन हॉल गूगल का सेमिनार अटेंड करने के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा होता है, गूगल क्या बताया जाता है हमें। चलते हैं, कॉन्वोकेशन हॉल आ गए हैं दोस्तों। सो चलते हैं अंदर, देखते हैं। गाइस ये देखो, यही हो रहा है गूगल के सेमिनार्स। कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड रिकॉर्ड्स वगैरह, पता नहीं जो भी है। गिनती के लोग आए हैं, ज़्यादा लोग तो नहीं आए हैं, बट कोई बात नहीं, हम अटेंड करते हैं, अच्छी चीज़ को कुछ बताएंगे वो। सो फाइनली गाइस इवेंट अब ख़त्म हो गया, सो अब हम चलते हैं बाहर। गाइस तो ये देखो, हमें रिफ्रेशमेंट भी मिली है सेमिनार के साथ, बर्गर मिला है और जूस भी मिला है। सो अच्छी बात है, चलो कुछ रिफ्रेशमेंट भी मिल गया, खा लेते हैं। ये देखो गाइस, हमारे माधव का ये शर्ट, यूनिक शर्ट दिखाओ भाई। ये देखो गाइस, यहाँ शर्ट है और शर्ट पे यहाँ पे एक चैन है, डोरेमोन। गाइस तो रात हो चुकी है काफ़ी, मतलब 12:30 हो रहे हैं लगभग रात के, लेकिन अभी सोए नहीं थे और मुझे अचानक से भूख लग गई। मतलब कुछ मन कर रहा है या तो कुछ पी लूँ या फिर कुछ खा लूँ थोड़ी बहुत, तो सोचता हूँ कैंटीन जाता हूँ या फिर कोई जूस शॉप खुली हो तो कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पी लूँ, थोड़ा सोचता हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं बाहर मिल जाए कुछ। अचानक से भूख लगी, अचानक से कुछ मन करने लगा कि कुछ टेस्ट किया जाए, कुछ खाया जाए। सो देखते हैं कोई जूस शॉप ओपन हो तो। गाइस तो हम कौटले भवन गए थे वहाँ, और कौटले भवन से हमने ये दूध ले लिया। सो ये दूध मैंने पी के देखा, काफ़ी अच्छा है। हमने लास्ट टाइम गंगा भवन से पिया था, इस बार मैंने कौटले से लिया, कौटले का भी काफ़ी अच्छा है। सो चलो, बहुत गर्म है, हाथ जल रहे, जल्दी से पी के ख़त्म करते हैं, चलते हैं अपने हॉस्टल रूम में। चलो ठीक है गाइस, इसी तरह से अब आज का व्लॉग अब ख़त्म करते हैं, क्योंकि रात काफ़ी हो भी चुकी है और अब क्या है कि कल हमारी छुट्टी है, सो इसलिए ज़्यादा देर तक जागे क्योंकि कल हमारी छुट्टी है, फिर परसों तो संडे है। सो क्योंकि कल दुर्गा पूजा की हमें छुट्टी मिली है, सो आराम से सो रहे थे आज, इसलिए देर कर दिए। ये देखो हमारी राधा कृष्ण भवन की लाइट, वो भी काफ़ी अच्छी जल रही है। सो चलो अब सोने चलते हैं, आप लोग भी सो जाओ, अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का ख्याल रखें। चलो बाय बाय, बाय बाय गाइस।